तो चलिए दोस्तों, बहुत ही टाइम के बाद में फाइनली वीडियो आ चुकी है और यहाँ से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और आज हम करेंगे एक ग्रेट स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग, जो कि है फायरबोल्ट ल्यूमस लग्जरी स्मार्ट वॉच। एंड ये सिर्फ आपको 1499 मतलब सिर्फ 1500 रुपए में मिल जाएगी। फीचर्स की बात करते हो, 1.91 इंचेस की बिगेस्ट डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, सारे बेसिक फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके लिए स्मार्ट वॉच कैसी रहेगी, क्या चीज़ें इसमें अच्छी है और क्या चीज़ें अच्छी नहीं है, ये मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे बॉक्स को ओपन करोगे, फर्स्ट आपको मिलती है स्मार्ट वॉच विदाउट स्ट्रैप के साथ में, मतलब आपको स्ट्रैप्स लगाने पड़ेंगे जो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर आपको मिलते हैं यहाँ पे सेपरेट मेटल स्ट्रैप्स और उसी के साथ में एडजस्टिंग टूल भी है, जहाँ पे आपके हाथ के हिसाब से स्ट्रैप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है बहुत सारा पेपर वर्क, वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। एंड लास्ट में आपको मिलता है एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। और जो बिल्ड क्वालिटी है ना फायरबोल्ट ल्यूमस की, ये सारी मेटल ही की है। जी हाँ, स्मार्ट वॉच की जो बॉडी है ये भी मेटल ही की है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो आपको स्पीकर मिलता है, राइट साइड में आपको एक बटन मिलेगा जो कि रोटेटिंग वर्किंग क्रॉन बटन, और उसी के नीचे है माइक। पीछे के साइड में आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे। और जो स्ट्रैप्स क्वालिटी है ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है, शाइनी स्ट्रैप्स है। और ये भी मैं आपको बोल दूँ, इसमें आपको चार कलर मिलते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगता हो वो आप परचेस कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है ना स्ट्रैप्स की भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। एंड ये भी मैंने आपको बोला है, एडजस्टिंग टूल दिया गया है जहाँ पर आपके हाथ के हिसाब से साइज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बोल दूँ, अगर आप कोई और स्ट्रैप्स लगाना चाहते हो ये स्मार्ट वॉच में, तो आप इजीली लगा सकते हैं, चाहे वो सिलिकॉन वाले हो या फिर मेटल वाले, आप इजीली कोई भी अदर स्ट्रैप्स ये वॉच में लगा सकते हैं। एंड देखिए, ये सब चीज़ों के साथ साथ डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। ये स्मार्ट वॉच में आपको 1.91 इंचेस की 240x280 पिक्सल्स रेजोल्यूशन की एक बड़ी सी डिस्प्ले दी गई है। देखिए, जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ, डिस्प्ले मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ये प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बोल दूँ, कर्व्ड एजेस आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएंगे। ब्राइटनेस यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, बट ब्राइटनेस भी डिसेंट अच्छी है। इंडोर के साथ साथ जो आउटडोर विजिबिलिटी डिस्प्ले की ब्राइटनेस की, ये भी आपको अच्छी सी मिल जाएंगे। और ये भी मैं आपको बोल दूं, अगर आप ब्लैक कलर के वॉच फेसेस यूज़ करोगे तो एकदम बेजललेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। बट अगर आप कलरफुल वॉच फेसेस यूज़ कर दो, थोड़े से बेजल्स और चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही में रोटेटिंग वर्किंग क्रॉन बटन भी दिया गया, जिसके थ्रू आप जस्ट रोटेट करते हुए वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। एंड साथ ही में जो मेन्यू है उसे भी आप रोटेट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप इस क्रॉन बटन के थ्रू आप कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड लास्ट वन, अगर आपको आपकी फ़ोटो रखनी है तो आप एप्लीकेशन में जाके रख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ये स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको द फिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके मोबाइल फ़ोन में। और इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, जस्ट आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको नीचे चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। थर्ड वाले आप ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद में आपको ऊपर एड डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे एड डिवाइस पे क्लिक करोगे, वो स्मार्ट वॉच को सर्च करेगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाई देगी स्मार्ट वॉच, जस्ट आप उस पर टैप कर लीजिए। विद इन सेकेंड्स में ये स्मार्ट वॉच कनेक्टेड हो जाएगी सक्सेसफुली। जैसे ये कनेक्टेड होती है, आपको नीचे सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे वॉच फेसेस है, जहाँ पे आप फेस गैलरी में जाके बहुत सारे वॉच फेसेस है डिफरेंट, आप यहाँ पे कैटेगरीज में जो आपको अच्छा लगता हो वो आप वॉच फेस रख सकते हैं। और आपकी फ़ोटो भी आप यहीं से ही रख सकते हैं। नीचे आपको फेवरेट, कॉन्टैक्ट्स, नोटिफिकेशन, अदर सेटिंग, जितने भी बेसिक सेटिंग्स होते हैं स्मार्ट वॉच के, वो आप सारे यहाँ से सेट कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लूटूथ कॉलिंग का। देखिए, इसमें कितने कॉलिंग फीचर्स दिए गए और आप कैसे स्मार्ट वॉच से कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये स्मार्ट वॉच से कॉल करना बहुत ही सिंपल है। आपको वॉच के स्क्रीन पर स्वैप अप करना है। यहाँ पर आपको मेन स्क्रीन पर आना है, बहुत सारे ऑप्शन है,
ऊपर ही आपको यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आप इस पर टैप कर लीजिए। जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट है रिसेंट कॉल, सेकेंड है डायल पैड, जहाँ पे आप डायल पैड में जाके इजीली आप कोई भी नंबर को डायल कर सकते हैं, एंड रिसेंट कॉल्स में जाके आप जो भी रिसेंट कॉल्स है वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड वन है कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट अगर आप सेव करना चाहते हो वो आप एप्लीकेशन से सेव करते हो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डायल पैड पे क्लिक करूंगा, 198 जस्ट रैंडमली मैं इसे डायल कर दूंगा। यहाँ पे आपको नीचे कॉल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है तो आप यहाँ पे कट का ऑप्शन भी दिया गया है, जस्ट मैं इस पर टैप करूंगा, यहाँ पे आप देखिए कॉल कनेक्ट हो गया है। और जो इनकमिंग कॉल इंटरफेस है वॉच के स्क्रीन पे, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहां पे अगर आपने नंबर को सेव किया है तो नेम शो होगा, अदरवाइज आपको नंबर दिखाई देगा। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगी स्क्रीन पे, फर्स्ट आप टैप करके कॉल को आंसर कर सकते हैं, सेकेंड आप टैप करके कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ये भी मैं आपको बोल दूं, जब कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो वॉच में आपको वाइब्रेशन भी मिल जाएगा। एंड जैसे यहाँ पे कॉल को आप कनेक्ट करते हो, फीचर्स आपको सारे इसमें दिए गए, जहाँ पे ऊपर आपको ड्यूरेशन भी पता चल जाएगा, एंड नीचे आपको 3 ऑप्शन है, फर्स्ट आप टैप करके कॉल को म्यूट कर सकते हैं, जी हाँ म्यूट का ऑप्शन इसमें दिया गया है 1500 रुपये की रेंज में, जी हाँ अच्छा मुझे ये लगा है। एंड सेकेंड है आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर मीन्स आप डायरेक्टली वॉच पे अगर आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो ये स्मार्ट वॉच में ट्रांसफर हो जाएगा, इतना इजी है। और इसी के साथ में आपको राइट साइड में वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, नीचे आपको कट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो बेसिकली जो कॉलिंग फीचर्स है ना, ये स्मार्ट वॉच में फायरबोल्ट ल्यूमस में सारे दिए गए हैं, और मैंने कॉलिंग भी की है, सभी चीज़ें अच्छी है, माइक क्वालिटी, स्पीकर, ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी है इस प्राइस पॉइंट में। सो कॉलिंग फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी चीज़ें वॉच में अच्छी है बट इसकी बैटरी कैसी है, तो इसमें आपको 230 mAh की बैटरी दी गई है। देखिए मेरे एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, बैटरी आपको डिसेंट सी मिलेगी, अच्छी बैटरी बैकअप है, जल्दी ड्रेन होती नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप बात करते हो, नॉर्मली यूज़ करोगे तो 5 दिन चल जाएगी, अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में यूज़ करते हो 1 दिन या 2 दिन आराम से चलती है। और यहाँ पे बॉक्स पे भी मेंशन किया गया है कि 2 घंटे में ये फुल्ली चार्ज होती है, सो अच्छा सा बैटरी बैकअप है। और जो अदर फीचर्स है इसमें दिए गए हैं, और सबसे पहले आपको ये बोल दूँ कि इसमें आपको कैलकुलेटर नहीं देखने को मिलेगा, जितने अदर फीचर्स है जहाँ पे आप कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, SPO2, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें दी गई है, जी हाँ। और फीचर्स बोलूँगा कि बेसिक सारे इसमें दिए गए हैं, और मेरे हिसाब से 1499 मतलब 1500 रुपये में जो ये लग्जरी स्मार्ट वॉच है ये बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा मुझे ख़राब चीज़ें स्मार्ट वॉच में नहीं लगी है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, तो सभी चीज़ें मुझे वॉच में अच्छी लगी है। आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं 1500 रुपये की रेंज में। और ये स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, और कुछ इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।